व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में फाइनेंशियल गेन चाहता है, वहां पर अपनी स्वीकारोक्ति चाहता है, यश मान और प्रतिष्ठा को बढ़ता हुआ देखना चाहता है और ऐसे माइलस्टोन्स क्रिएट करके जाना चाहता है जो कि हमेशा के लिए वहां पर केस स्टडी के साथ में मौजूद रहे। व्यापार में हम संतान के लिए किस तरह के सरोकार पीछे छोड़ रहे हैं, किस तरह के माइलस्टोन उनके लिए स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं, या जहां पर भी कार्य क्षेत्र में हमने बहुत लंबा समय गुजारा वहां पर हमारी स्वीकारोक्ति कैसी रही, हमारी यश मान और प्रतिष्ठा कैसी रही, किसी भी पद के ऊपर रहे हों कॉरपोरेट कल्चर के अंदर, किंतु वहां पर हमने क्या नए इनिशिएटिव लिए जिसके साथ में नई आने वाली पीढ़ी लगातार उदाहरण प्राप्त करती चली गई। ये मंशा प्रत्येक व्यक्ति विशेष की होती है। एजुकेशनल लाइफ में चलते हुए कुछ न कुछ नई खोजबीन करना, इनोवेशन के साथ में चलना और खुद जोखिम उठाने की क्षमताओं के साथ में लगातार चलते चले जाना, ये भी एक मानवीय प्रवृत्ति है। ग्रही व्यवस्था लगातार परिवर्तनशील है। आज ऐसे ही एक परिवर्तन की चर्चा लेकर हम आप सभी के सम्मुख हाजिर हैं, उपस्थित हैं, और साथ में ही जब व्यक्ति अपने कर्म की गतिविधियों को इस ग्रही व्यवस्था के साथ में जोड़कर देखता है तो कामकाज में और अधिक तीव्रता अनुभव करने वाला होता है। जब भी आप साइकिल चला रहे हैं और उस समय हवा की दिशा यानी कि जो वायु की गति है आपके साथ में प्रवाहित हो रही है या फिर आप वायु की उसी दिशा के साथ में बढ़ रहे हैं तो वहां बेहद आसानी से साइकिल चलती चली जाएगी, किंतु अगर प्रकृति के विद्रोह के साथ में चला रहे हैं तो ज्यादा जोर आजमाइश की आवश्यकताएं रहेंगी। मैं आपसे बार बार करबद्ध निवेदन करता हूं कि जब भी आप इस ग्रहीय व्यवस्था के परिवर्तन के साथ में हमारे इस कार्यक्रम को देखें तो जिंदगी में अपने कर्म की स्थितियों को इसके साथ में जोड़कर देखने का प्रयास करें। उसी से हम कहीं ना कहीं नई दिशा की ओर बढ़ पाते हैं, खुद के जीवन को नई दिशा दे पाते हैं। जहां पर भी हताशाएं मौजूद है वहां से हम उस आवरण को हटाकर उत्साह से लबरेज होकर आगे बढ़ने का कार्य करते चले जाते हैं। सूर्य देव जो कि शनिदेव के आदर्श शत्रु हैं, किंतु दोनों ही ग्रहों में पिता और पुत्र का संबंध है। सूर्य देव जब अपने संक्रांति क्रम को प्रत्येक माह परिवर्तित करते हैं तो जनवरी से लेकर मध्य अंतराल जनवरी का जब मकर संक्रांति पर्व होता है वहां से लेकर जो मार्च का महीना रहता है, जब मध्य अंतराल रहता है मार्च का, तो इन दो महीनों में सूर्य देव अपने पुत्र के संक्रांति क्रम के साथ में ही उनके ही राशि अंतराल के साथ में गमनशील होने वाले होते हैं। तो आप ये देखिए कि 13 फरवरी से लेकर जो 14 मार्च 2020 तक का समय अंतराल रहेगा, यहां सूर्यदेव शनि देव की मूल त्रिकोण में विराजित रहेंगे, कुंभ राशि स्थान में विराजमान रहेंगे, तो मंगल प्रदान मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के महानुभावों के लिए किस किस तरह की संभावनाएं सामने आने का कार्य करेगी, इसकी संपूर्ण चर्चा वृतांत के साथ में हम चलेंगे। और यहीं एक बात और गौर करने लायक है कि इस समय अंतराल में धनिष्ठा, सत्विषा और पूर्वा भाद्रपद की नक्षत्रीय परिधियों के साथ में सूर्यदेव गमनशील करने वाले होंगे। तो जब भी हम इस पूरे ही आकलन के साथ में चलते हैं तो नक्षत्रीय व्यवस्थाओं का भी उतना ही ध्यान रखते हैं। नक्षत्र एक स्थिरांक है और ग्रही व्यवस्था लगातार भ्रमणशील है, तो यहां पर यह देखा जाना आवश्यक है कि कौन सा नक्षत्र किस आवरणीय प्रभाव क्षेत्र की स्थितियों में ग्रहों को इफेक्ट कर रहा है। जब यह पूरी ही कैलकुलेशन जानकारी में आती है तो प्रत्येक राशि के लिए हम एक ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस और कैलकुलेशन के साथ में इस प्रेडिक्शन को सामने रखने का कार्य और प्रयास करते चले जाते हैं। तो यहां पर इन नक्षत्रीय परिधियों का भी पूरा ध्यान रखा गया है और साथ ही साथ में इस संक्रांति क्रम में किस किस तरह के विभेदन सामने आ रहे हैं इसकी भी चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए एकादश भाव में सूर्य देव विराजित रहेंगे, तो जो भी कोर्ट कचहरी के साथ में लंबित मामले थे, जहां पर परेशानियां निकलकर सामने आ रही थी, सॉल्यूशंस नहीं मिल पा रहे थे, वहां पर अब आपके लिए लाभ की स्थितियां बनती हुई देखी जाएगी। इसके पीछे रीजन ये भी है कि शनिदेव दशमस्थ विराजमान रहेंगे, तीसरी दृष्टि से द्वादश भाव को देखने वाले रहेंगे और लाभ भाव में सूर्य देव स्वयं विराजमान जो कि पंचम के साथ में दृष्टि संबंध रखने वाले। वहीं एजुकेशन की लाइफ के अंदर आपके लिए अभी तक संभावनाएं जॉब की तरफ जाने की नहीं बन रही थी, संभावित क्षेत्र विशेष के साथ में यह समय आपको उस ओर भी इंगित करने वाला हो सकता है। जो इंटरव्यू के अंदर कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, भले ही आप किसी
किसी नए फील्ड के साथ में जाने की तैयारी में है। आप ऑटोमोबाइल के सेक्टर में चल रहे थे, अब अपने पूरे ही फील्ड को चेंज करना चाहते हैं जहां पर अनुभव नहीं है। काम काज का अनुभव तो है किंतु उस क्षेत्र विशेष का अनुभव नहीं है। वहां पर यह समय अंतराल आपके लिए विधिवत तरीके से एक ऊर्जा को रखने वाला होगा। कई बार व्यक्ति कहता है कि मुझे क्षेत्र की जानकारी तो नहीं है, मैं क्षेत्र की जानकारी तो ले लूंगा किंतु आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि मेरे प्रत्येक काम काज के अंदर अपनी मेहनत, अपने कर्म की ताकत पूरे तरीके से लगी हुई रहेगी। तो वहीं पर व्यक्ति इंटरव्यूअर को पूरे तरीके से यह विश्वास दिलाने में सक्षम हो पाता है कि नहीं, जो संभावनाएं इस व्यक्ति विशेष के भीतर मौजूद है यह हमारे लिए काम की है। भले ही ये इस विषय स्थितियों में अनुभवहीन है किंतु हमारे लिए लगातार कर्मशील रहने वाला होगा। तो यह संभावित स्तर के ऊपर परिवर्तन का समय है आपके लिए। और वहीं पर अगर आप देखिए कि एग्जिस्टिंग जॉब में आप चेंज की तरफ जाना चाहते हैं जहां पर रिस्क इन्वॉल्व है, यू कैन मूव इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑल्सो। आप वहां पर भी लगातार गमनशील होने का कार्य कर सकते हैं, किंतु सस्तात सस्त स्थितियों में सूर्यदेव विराजित हैं, इसी वजह से बोन और ज्वाइंट्स की स्टिफनेस का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। और किसी भी रिलेशन में आप वहां पर हैं तो डोमिनेट करने से बचने की कोशिश भी आपको जरूर करनी चाहिए, यह भी स्मृतियों में रखिएगा। वहीं वृषभ राशि के लिए 13 फरवरी से लेकर जो 19 फरवरी तक का अंतराल है, यहां पर आजीविका के नए साधनों को विकसित करने में यह समय बहुत सकारात्मक भूमिका निभाता हुआ देखा जा रहा है। सर्वप्रथम ये इच्छा शक्ति की कमी नहीं रहेगी। 13 फरवरी से लगाकर जो 14 मार्च 2020 तक का समय अंतराल है, आपकी जो विल पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होल्ड के साथ में रहने वाली रहेगी। पिता के साथ किसी भी कामकाज में आप अग्रसर हैं तो वहां पर मेरा यही निवेदन आपसे रहेगा कि छोटी छोटी बातों से जो अनबन सामने आती है उससे स्वयं को पूरे तरीके से बचाकर चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। यात्राओं में लाभ की उम्मीद दिखाई दे रही है। सूर्य और बुध का बुधादिति भी यहां पर बना रहेगा, तो कामकाज के अंदर जो यश मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए उसका भी यह समय नए इंडिकेशंस के साथ में चलने की ओर इशारा कर रहा है। आप और भी गंतव्यशील हो सकते हैं, यह ध्यान रखिएगा। भूमि संबंधित कामकाज में त्वरित गति से निर्णय लेने से आपको जरूर बचना चाहिए। जो भी नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी बाधाएं आ रही थी और आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी पा रहे थे, आप अपने पराक्रम का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे थे, विशेष तौर पर 15 जनवरी से लेकर जो 13 फरवरी तक का समय अंतराल रहा वहां पर यह डलेमा आपके लिए मौजूद रहा है। तो इस महीने की सार्थक स्थितियों में एक दिन एक्स्ट्रा है, 29 फरवरी भी है, तो आप ये बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि इस समय व्यवस्थित तौर पे अपने कामकाज को आगे बढ़ा के हमको नए आयाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिथुन राशि के लिए अगर हम चर्चा करते हैं तो यहां पर भाग्य की स्थितियां समर्थित तौर के ऊपर आपके समक्ष आने वाली रहेगी, एक बात तो यह है। वहीं उच्च शिक्षा के स्तर के ऊपर आप चलते हुए अगर विदेश जाकर अपनी शिक्षा को नए आयाम देना चाहते हैं और जॉब में कॉम्प्रोमाइज करके बढ़ रहे थे, फ्रस्ट्रेशन के लेवल हावी थे जहां से हमको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहे थे, ये समय अंतराल आपको सर्वथा हद के ऊपर समाधान की स्थितियों की ओर लेकर जाने वाला हो सकता है। भाइयों के साथ संबंधों में कहीं भी बिगाड़ नहीं हो, सोलर संबंधी कोई भी कामकाज है, प्रकाश संबंधी कोई भी कार्य विशेष क्षेत्र है, या फिर कहीं अपने कामकाज में विद्रोह के साथ में चलने की प्रवृत्तियों के साथ में अग्रसर होना है, तब भी बुध प्रधान राशि के महानुभाव उस और बेहद आसानी से बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। कहीं भी रुकने, थकने या झुकने की संभावनाओं से हमको चलने की आवश्यकताएं नहीं है। अपनी पूरी इच्छा शक्ति की प्रबलता के साथ में आप यहां पर चलते चले जाइए। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी का जो एक तरह से मन में स्पंदन रहना चाहिए, जो कई बार व्यक्ति विशेष को एनर्जाइज करने का काम करता है, और कई बार आध्यात्मिकता आपको एग्जिस्टिंग फ्रेम से, माइक्रो लेवल के फ्रेम से बाहर निकालकर मैक्रो अप्रोच में दिखाने का काम करती है, वो स्थितियां भी आपके लिए यहां पर दिखाई दे रही है। कई बार व्यक्ति आज में उलझा हुआ, विशेष तौर पर नौकरी पेशा जीवन में मैं ये बात देखता हूं कि आपने आज किसी संकट की स्थिति को महसूस किया तो पूरे जीवन को ही उसके साथ में जोड़कर देख लिया। उस फ्रेम से दूर हटकर यह भी देखने की आवश्यकता है कि क्या एक महीने बाद भी यही स्थिति रहेगी, क्या 6 महीने बाद भी यही स्थिति रहेगी। उस फ्रेम को आप एक बार जरूर जांचें, परखें और उसके बाद में ही जीवन में उस स्थिति को उतारने वाले रहें। तो कई बार
विचार, आध्यात्मिक चेतनाएं ऐसे स्तर के ऊपर व्यक्ति को विकट परिस्थितियों से बाहर निकालने का भी कार्य बेहद आसानी से कर पाती है। ये बात आप स्मृतियों में रखिएगा। वहीं अगर मैं कर्क राशि की यहां पर चर्चा करता हूं, नई शुरुआत से आपको बचना चाहिए, रिलेशंस के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस की पोजीशन से बचिएगा, कम्युनिकेशन के अंदर शब्दशः गणित को बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए, कोई भी महत्वपूर्ण डीलिंग को आप इस समय अंतराल में फाइनलाइज करने वाले हैं तो यह ध्यान रखिएगा कि 19 फरवरी को जब सूर्यदेव नक्षत्रीय परिधियों का परिवर्तन करेंगे, यानी कि 13 फरवरी को तो यहां संक्रांति क्रम का परिवर्तन किया है, 19 फरवरी को नक्षत्रीय क्रम में भी परिवर्तन होगा, उस समय अंतराल की विशेष स्थितियों के अंदर आप 13 मार्च और विशेष तौर पर 14 मार्च तक यह उम्मीद पुरजोर तरीके से लगा सकते हैं कि कोई भी डीलिंग जिसको फाइनल करना बहुत ज्यादा आवश्यक है वहां पर सफलता के प्रतिमान मिलते हुए आपको दिखाई देंगे। कोई भी रिसर्च संबंधी कामकाज है या फिर आप पीएचडी संबंधी किसी और हायर पोजिशन की तरफ जा रहे हैं, थ्रेशोल्ड के ऊपर है, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, मन में अस्पष्टता रहेगी, थोड़े से अज्ञात भय रहेंगे, किंतु परिस्थितियों से जद्दोजहद करते हुए प्रत्येक दिन खुद को चार्ज करते हुए अगर आप बढ़ते हैं तो यह भी सामने आएगा कि वो पोजीशन क्लैरिटी की ओर जाना शुरू हो गई है। जो बाधाएं बनी हुई थी, जो परेशानियां बनी हुई थी, जो बार बार संकट परेशान कर रहे थे, कई बार सेल्फ क्रिएटेड और सेल्फ नेगेटिव इमेजिनेटिव थॉट प्रोसेस के द्वारा, और वहीं पर दूसरे स्तर के ऊपर जो लोग आपके क्षेत्र विशेष को नहीं जानते हैं और वो बार बार टिप्पणी करके आपको उस नकारात्मकता की ओर लेकर जा रहे थे, उन सारी स्थितियों से जो ये डिलेमा है, अस्पष्टता है, इससे बाहर निकलकर देखिए, आपके लिए एक सफलता के नए आयाम मिलते हुए दिखाई देंगे। विदेश संबंधी गतिविधियों में यहां पर 19 फरवरी के बाद तीव्रता आने की संभावनाएं पुरजोर तरीके से देखी जा रही है, उसका भी फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए, किंतु अस्थि विकार और साथ ही साथ में जो कई बार नसों संबंधी परेशानियां होती है वो भी सताने का कार्य कर सकती है आपको, वहां थोड़ा सा ध्यान देने की दरकार रहेगी। और जो भी कोर्ट कचहरी संबंधी मामला या ऐसा कोई भी हमारे लिए परेशान करने वाला स्तर चल रहा है तो उसको धैर्य से सुलझाने का प्रयास हमको करना चाहिए। सिंह राशि की अगर यहां पर हम चर्चा करते हैं तो सूर्य प्रधान के जो है स्तर के साथ में उन्हीं का संक्रांति क्रम और उन्हीं की ग्रही व्यवस्था के साथ में चर्चा, तो यहां विश्वास और आत्मविश्वास की स्थितियां भरसक तरीके से आपके साथ में बनी हुई है। गृहस्थ जीवन के साथ छोटी छोटी बाधाएं नहीं आए, आप डोमिनेट करने की पोजिशन से बचें। अब यहां हमने कह दिया कि आप डोमिनेट करने की से बचें, तो अब जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है जहां पर फ्रस्ट्रेशन निकल कर आ सकती है और हमको लग रहा है कि क्लैशेस हो सकते हैं, वहां बातचीत को एक तरह से हिस्सेदारी के साथ में लिया जाए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होने दिया जाए या उस जगह को कुछ समय के लिए अपने से दूर लेकर चला जाए या फिर थोड़ा सा झुक लिया जाए, ऐसी स्थितियों के अंदर आप आने वाली ऐसी नकारात्मकता को टालने में पूरे तरीके से खुद की सक्रिय भूमिका को निभाने वाले होते हैं। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर छोटी छोटी बातों की चिंताओं से दूर रहना चाहिए, किंतु नौकरी पेशा जीवन में यहां परिवर्तन सामने दिखाई दे रहे हैं, उन परिवर्तनों को जितना स्वीकार करके आप चलने वाले रहेंगे उतनी ही बेहतरी आपके लिए बनती हुई देखी जा सकती है। जॉब में कोई भी नया ऑफर आता है उसको स्वीकार करने की ओर जरूर आपको आगे बढ़ना चाहिए, किंतु जहां पर भी स्थिर रहने आवश्यकता है, यह समय आपको रिएक्शन से बचाने वाला है। यानी कई बार व्यक्ति सोचता है, रिग्रेटफुल होता है कि हम हर जगह रिएक्टिव हो जाते हैं, यह समय आपको रिएक्टिव नहीं होने देगा बिल्कुल भी। नैसर्गिक स्थितियों के साथ में आप इग्नोरेंस की पावर को बढ़ाकर अपने कामकाज में गतिशील होने वाले रहेंगे, कोई भी महत्वपूर्ण बिजनेस में डील को फाइनल करके चलना है तब भी यह समय बहुत अच्छा आपके लिए बना हुआ है, उस ओर भी आप गमनशील हो सकते हैं, किंतु माइग्रेन संबंधी समस्याएं थोड़ा सा सताने का काम आपको कर सकती है, यह भी आप स्मृतियों में रखिएगा। वहीं अगर हम कन्या राशि की चर्चा करते हैं तो यहां पर अस्थि संबंधित विकार, सर्वप्रथम ऋण देने और लेने से बचने की स्थितियों के साथ में चलना, जहां पर स्पष्टता है वहीं पर आप लोन की पोजीशंस के साथ में, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई कार्य कर रहे हैं, लोन लेना है, आप जा सकते हैं, बहुत क्लैरिटी उसके अंदर हो, किसी व्यक्ति को मदद करनी है और हमारे पास में लिक्विडिटी का फ्लो मौजूद है, तो वहां पर भी प्रिसाइज कैलकुलेशंस के साथ में चलने वाले हों, उस व्यक्ति विशेष के
साथ में पुराने संबंध हो, विश्वास पुरजोर तरीके से स्थापित हो, तब ही उधर चलने का प्रयास हमको करना चाहिए, यह आप ध्यान रखिएगा। किंतु जो शत्रु परेशान कर रहे थे, विशेष तौर के ऊपर कॉम्पिटिटर्स और आपके जो कलीग्स थे, कहीं ना कहीं उस वजह से दिक्कत आ रही थी, या आपके कामकाज के अंदर परोक्ष रूप से कोई व्यक्ति विशेष एनवी की वजह से, जलन की वजह से, आपकी प्रतिष्ठा की वजह से बार बार परेशान करने का कार्य कर रहा था, वो एक्सपोज नहीं हो पा रहा था, या फिर उस व्यक्ति विशेष की जो ये नकारात्मक स्थिति है वो सबके सामने नहीं आ पा रही थी, इस महीने में जो भी व्यक्ति आपसे शत्रुवत स्थितियों के साथ में चल रहा है, अब वो यहां पर साइडलाइन होता हुआ देखा जाएगा। ये आप स्मृतियों में अक्षुण रख के चलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं पर कोई भी लंबी दूरी की यात्रा तय करनी है, जिससे भी मिलने जा रहे हैं, जिस भी कामकाज की ओर जा रहे हैं, एक बार पहले हम बहुत अच्छे से जांच लें, परख लें, और उसके बाद ही बढ़ने वाले रहें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में आपके नाम के बढ़ने की उम्मीद पूरे तरीके से की जा सकती है। तो वहीं शिक्षा के अंतराल में विदेश संबंधी कोई भी गतिविधि के साथ में आप जुड़े हुए हैं, आपने यहां किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, आपको एक तरह से कोई भी प्रेजेंटेशन देने के लिए बाहर जाना है, वहां यशमान पूरे तरीके से बढ़ता हुआ आपके लिए देखा जाएगा। तुला राशि की अगर हम यहां चर्चा करते हैं, तो सर्वप्रथम जो भी आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां हैं, वहां पर यह समय बहुत बेहतर परिणाम देने वाला आपके लिए रहेगा, और साथ में ही कामकाजी जीवन में जो तीव्रता अभी तक नहीं बन पा रही थी, कामकाजी जीवन के अंदर जो छोटे मोटे अवरोध बार बार परेशान कर रहे थे, वहां पर सॉल्यूशन आपके लिए मिलता हुआ देखा जाएगा। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति यह है, तो वहीं जो भी आपने प्रोफेशनल लाइफ में अभी तक मेहनत की है, पूरे साल लगातार आपने खुद को झोंक कर रखा, आपने अपनी पूरी ताकत के साथ में चलने का कार्य किया, पंचम के सूर्य देव जब एकादश के साथ में संबंध स्थापित कर रहे हो, सूर्य बुध का बुधादिति बना हुआ हो, एक ग्रह पारे की प्रकृति का, दूसरा ग्रह दीप्त पुंज, जब इनकी पोजिशन पंचम के साथ में जुड़ी हुई हो, तो व्यक्ति अपनी क्षमताओं का आकलन बहुत अच्छे से कर पाता है, व्यक्ति लाभ के सिरों को बहुत अच्छे से सामने ला पाता है, जो आपने पूर्व में मेहनत की है वो पूरे तरीके से आपको अब लाभ की ओर लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है। जहां पर भी अपनी संभावनाओं को श्रेष्ठताओं के साथ में रखना हो, हारिएगा मत, थकिएगा मत, यहां झुकने की आवश्यकता नहीं है, पूरी गति के साथ में चलते चले जाइए। आप गृहस्थ जीवन के साथ में किसी भी नई शुरुआत की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, पैसिव इनकम के सोर्सेस को खोजने के बारे में आप लगातार प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल पा रही थी, या हम एक शुरुआत नहीं कर पा रहे थे, यहां पर आप उस शुरुआत की ओर बढ़ सकते हैं। कर्म के साथ में इस ग्रहीय व्यवस्था को जोड़िए आप, तो कई बार चमत्कारिक परिवर्तन सामने आते हुए दिखाई देते हैं। आप कई बार ऐसी रिमोट लोकेशंस के ऊपर बैठकर हमको सुनने वाले होते हैं, जहां पर व्यक्ति विशेष खुद को बहुत एकल महसूस करता है। कई ऐसे देशों में आप रह रहे हैं जहां से सुनते हैं, कई आप ऐसे शहरों में रह रहे हैं जहां जॉब की वजह से दूसरी जगह जाना पड़ा, हम खुद को एक संबल देना चाहते हैं, और जब कर्म की व्यवस्थाएं इस ओर से ग्रही व्यवस्था के साथ दिखाई देती है, तो आप स्वयं को संबल दीजिए, इस समय को पूरे तरीके से अपने साथ में जोड़िए, फिर देखिए किस तरह के परिणाम सामने आते हैं। वहीं अगर मैं वृश्चिक राशि की चर्चा करता हूं, तो सर्वप्रथम आपसे निवेदन है, चतुर्थ के सूर्यदेव रहेंगे इस समय अंतराल में, जो भी हृदय रोगी है बहुत अच्छे से संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। यहां पहले से ही किसी भी हृदय रोग के साथ में आप ग्रसित रहे हैं, बहुत अच्छे से ये ध्यान देकर चलने का प्रयास कीजिएगा कि कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं आए। एक बात तो ये ध्यान रखें, अनुशासित जीवन को पूरे तरीके से अपनाकर चलें हम। सोलर संबंधी कामकाज, प्रकाश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में अगर आपका जुड़ाव है, वहां तीव्रता मिलने की उम्मीद रहेगी, वहीं मन थोड़ा सा उचाट रहने वाला रहेगा, और हृदय में भी उद्वेलित करने वाली स्थितियां, परेशान करने वाली हो सकती है, वहां थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ध्यान देकर चलिएगा, और साथ ही साथ में जिस भी काज की ओर जा रहे हैं, वहां फैसिनेशंस के साथ में नहीं जाएं, पेपर पेन अप्रोच के साथ में चलने का काम करें, जब प्लानिंग हो उसके बाद में ही एग्जीक्यूशन की ओर बढ़ने का प्रयास किया जाए, सीधा ही किसी ऐसे कामकाज में हाथ आप नहीं डालें जहां पर रिस्क आपके लिए इन्वॉल्व है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। माता स्थान के साथ में किसी भी नए कामकाज की आप शुरुआत करने की ओर अग्रसर हैं, तब भी बहुत बेहतर परिणाम है, और कोई भी भूमि विवाद घर परिवार के अंदर चल रहा था जिसमें आपके हस्तक्षेप की आवश्यकताएं थी, और अभी तक उस हस्तक्षेप के बिना वो चीज हमको और वो कार्य संपादित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको वहां पर संलग्न होना चाहिए, खुद को जोड़ना चाहिए, और समाधान की ओर पूरे परिवार को अग्रसर करना चाहिए। वहां आप अग्रगणी भूमिका निभाकर
चलते चले जाएं तो ज्यादा बेहतरी बनी रहेगी। गृहस्थ जीवन के साथ में छोटे मोटे मन मुटाव की स्थितियां सामने आ सकती है, वहां भी थोड़ा सा धैर्य धारण करके चलना चाहिए। अज्ञात भय परेशान करने वाले नहीं होंगे, किंतु कामकाज में छोटे मोटे अवरोध जरूर मिल सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। वहीं पर सूर्य उपासना इस पूरे ही महीने, आदित्य हृदय स्तोत्रम को पूरे ही महीने लगातार इस संक्रांति क्रम में, पूरे महीने का अर्थ ये हो गया कि मैं जिस एक महीने के संक्रांति क्रम की चर्चा कर रहा हूं वहां पर पूरा ध्यान देकर चला जाए, इन उपासना पद्धतियों के साथ में बढ़ा जाए। धनु राशि की हम चर्चा करते हैं तो मैंने बार बार कहा है कि जब भी संक्रांति क्रम में सूर्य देव थर्ड हाउस के साथ में जुड़े हुए हों, जिन भी व्यक्ति विशेष की जॉब की पोजीशन फिर से एक्टिव नहीं हो पाई है, किसी कारणवशात आपकी जॉब बीच में छूट गई, रिजाइन देना पड़ा, आप आगे बढ़ गए, चार पांच महीने का गैप आ गया, आप प्रयासरत थे, फिर से आपको एक तरह से सामर्थ्यवान स्थितियां नहीं दिखाई दे रही थी जहां से आप सक्रिय होकर आगे चल पाते, ये समय विशेष का अंतराल आपके लिए सक्रियता की नई भूमिकाओं को लेकर आ रहा है। पराक्रम के साथ में सूर्य देव का जुड़ाव पूरे तरीके से उसी स्तर की ओर इशारा करने वाला होता है। इस महीने भरसक प्रयास करना और प्रयासों के साथ में खुद के लिए नवीन चेतनाओं को पाना, फाइनेंशियल लेवल पे फिर से गेन पाना, मंथली बेसिस के ऊपर अपने कामकाज में जुड़ते चले जाना, ये सारे ही सांकेतिक स्तर की स्थितियां आपके समक्ष आती हुई देखी जा सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा। पराक्रम में वृद्धि है, भले ही लंबा गैप आ चुका है, बिजनेस की आपने उसमें असफल हुए, फिर से नौकरी पेशा जीवन की ओर जाना चाहते हैं, लग रहा था कि कॉन्फिडेंस लूज कर गए हैं, फिर से कैसे बढ़ेंगे, इस समय अगर आप जाते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह, आपके मन के भीतर का जो निर्मल प्रवाह है, फिर से एक नई सिमेट्री एस्टेब्लिश करके आपको आगे लेकर चलने वाला रहेगा ही रहेगा। भाइयों के साथ संबंधों में कहीं भी दुराव नहीं आए, वकालत संबंधी किसी भी पेशे के साथ में आप जुड़े हुए हैं या रिसर्च अनुसंधान संबंधी किसी भी कामकाज में आप जुड़े हुए हैं, यहां अर्थ लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। वहीं अगर हम मकर राशि की चर्चा करते हैं तो यहां कुटुंबीजनों के साथ विवादों से बचकर चलिएगा और प्रत्येक कामकाज में धैर्य को धारण करके रखने की आवश्यकताएं हमारे लिए रहेंगी। जो रुका हुआ रुपया और पैसा था, विशेष तौर पर इंजीनियरिंग संबंधी किसी कामकाज के साथ जुड़े हुए हैं और वहीं कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, भूमि संबंधित किसी कामकाज में जुड़े हुए हैं जहां पर लिक्विडिटी का रोटेशन फिर से नहीं बन पा रहा था, सेकंड हाउस के साथ में सूर्य का जुड़ाव है, अष्टम के साथ में संबंध है, मानसिक चेतना के अधिपति ग्रह साथ में विराजमान है और धनिष्ठा नक्षत्र की परिधियां सूर्यदेव जब शुरुआत में भोगने वाले रहेंगे तो इस समय में पुरजोर तरीके से ये बात आपके समक्ष आती हुई दिखाई देती है कि सॉल्यूशन इज ऑन द वर्ज, आप समाधान के साथ में इस समय चलने वाले हो सकते हैं, एक बार फिर से प्रयास करके आगे बढ़ना चाहिए आपको। ये तो एक बात रही, गृहस्थ जीवन का सपोर्ट पूरे तरीके से यहां पर आपके लिए मिलता हुआ देखा जा सकता है, उसमें कहीं भी नकारात्मकता नहीं है। कुंभ राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम जो अटमोस्ट कॉन्फिडेंस की पोजीशन है वो आपके लिए यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है, उसमें कहीं भी कोई नेगेटिविटी या दुराव वाली पोजीशंस नहीं है। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, प्रकाश संबंधी किसी भी व्यवस्था के कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, प्रबंधन के अंदर आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण है और आप यहीं से थोड़ी सी रिस्क लेकर किसी और नए पायदान की तरफ जाना चाहते हैं, तब भी समय आत्मविश्वास के साथ में आपको आगे बढ़ाने वाला रहेगा। यहां पर गृहस्थ जीवन का सपोर्ट, मित्रों का सपोर्ट और जो एक तरह से हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, भले ही साढ़े साती का प्रथम अंतराल आपके लिए शुरू हो चुका है, किंतु आप अगर स्वयं में विश्वास रख के इस महीने में आगे बढ़ते हैं, निर्णय और अनिर्णय की स्थितियों को पीछे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ निर्णय की ओर जाते हैं और उसमें भी प्लस को हावी रखते हैं, तो आप देखिएगा सफलताएं आपके कदम चूमने वाली रहेगी। यात्राओं में संभावित स्तर के ऊपर लाभ दिखाई दे रहा है तो वहीं पर जो ये कामकाज है एक नई गतिविधि के साथ में चल रहा है, वहां पर भी आप रिस्क लेकर इन्वॉल्व होने वाले हो सकते हैं, ये जरूर स्मृतियों में रखकर चलते चले जाइएगा आप। वहीं मीन राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो यहां अनिद्रा संबंधी रोग आपको सताने वाले हो सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। वहीं पे खर्चों की संभावित स्थितियां लगातार सामने आती हुई दिखाई दे रही है और जो शत्रु पनपे हुए थे वहां पर तो रोकथाम की स्थितियां पुरजोर तरीके से रहेंगी। विदेश संबंधी कामकाज में तीव्रता आने की उम्मीद है और वहीं विदेश में रहकर स्टडीज कंप्लीशन की ओर है, आप चाहते हैं कि जॉब भी वहीं हो जाए, हम अपना स्टार्टअप भी वहीं शुरू कर दें और
कोई ना कोई कामकाज की गतिविधियों के साथ में खुद को फाइनेंशियल गेन के साथ में जोड़ने वाले रहें, ये समय उस और भी आपके लिए इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वयं को स्थिर रखने की आवश्यकताएं यहां पुरजोर तरीके से आपके लिए रहेंगी ही रहेंगी। अज्ञात भय के जो सिरे बने हुए थे वहां पर भी मैंने जैसा आपको बताया थोड़ी सी मध्यम दर्जे की स्थितियां सामने आती हुई कही जा सकती है। माइग्रेन संबंधी समस्याएं सताने का काम कर सकती है। बहुत ज्यादा सूर्य के प्रभाव क्षेत्र में आने से आपको बचना चाहिए, यानी कि जो रेगुलर बेसिस के ऊपर कामकाज होते हैं उसके अलावा कहीं पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव क्षेत्र में आप आते हैं दीप्त पुंज के, तो वहां पर माइग्रेन की शिकायत आपके लिए हावी हो सकती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये था 13 फरवरी 2020 से 14 मार्च 2020 तक सूर्यदेव का कुंभ राशि के साथ में चलता हुआ संक्रांति क्रम परिवर्तन। ऐसी ही चर्चाओं के साथ बारंबार आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे, हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।